नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार जी। सर कौन बोल रहे आप? सर मैं अभिनाश बोल रहा हूँ। कहाँ से? मंडी से। मंडी से। अच्छा हाँ जी। हाँ, ये फोटो वगैरह भेजे थे ना आपने सुबह? वो एक्चुअली में सर ये मेरा दरअसल ब्रदर है। अच्छा हाँ जी जी तो ये किसी जॉब करता था मीरपुर में ना जी, ये अपने बावाल कनाल साइड में। अच्छा तो फिर सर वहां से जो है किसी शादीशुदा महिला को भगा के ले गया है। अच्छा अनमैरिड था ये? नहीं सर, मैरिज हो गई है ऑलरेडी, जो इसकी वाइफ है हमने शादी की थी इसकी पालमपुर से ना। जी तो वहाँ वो भी परेशान है घर वाले, मेरे पापा का नंबर है यहाँ दिया हुआ ना अच्छा जी सर। तो फिर अब मैंने बोला चलो भाई मेरे साथ तो जुड़े हैं, मेरा तो अपना ऑफिस है ना सर। जी जी तो अब छोटा ब्रदर है सर, रियली सर नया ये कर दिया हुआ है सर मजाक। मैंने तब भेजा है भाई आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें सर ताकि मिल सके। और पालमपुर में कहाँ पर रहते हैं? पालमपुर में भवारना से हुई शादी में जिसकी, घर हमारे हैं मंडी में जी जी जी। तो वो दरअसल हमीरपुर बावाल कनाल साइड में करता था जॉब, बोले आउटसोर्स में लग गया हूँ बोले मैं किसी कंपनी में। अच्छा, ये कितना टाइम हो गया इसको भागे? इसको सर घर से गए हुए जैसे अपनी वाइफ के साथ था, हमें लगा कि ये जॉब जॉब कर रहा है अच्छा, ये। इसको हो गया सर लगभग 1.5-2 साल जी। तो इसके वाइफ और बच्चे भी हैं? हाँ जी, एक बेबी है सर, ये क्या बोलते हैं, एक बेबी है और वाइफ है पालमपुर से की शादी इसने। अच्छा, तो वो कहाँ रह रहे हैं इस वक्त बच्चे और घर वाली? वो जी वही रह रहे हैं मायके में अपनी माँ के पास पालमपुर में। कितने समय से? 2 साल से सर। अच्छा 2 साल से। और ये कब जी से है तो गायब? ये सर 5-6 महीने हुआ, जब वो हमीरपुर में जॉब करता था पता नहीं वहाँ बताता था कि भाई पीजी पाजी है वहाँ, एक लेडीज है वो खाना खुना दे देती है बोले मेरे को। अच्छा, और सर फिर हम उसके हस्बैंड ने वहाँ देवर सिद्ध थाना में किया कंप्लेंट। अच्छा फिर मैं और मेरे पापा हैं अपाहिज हैं हैंडीकैप्ड हैं पापा, जी बिजली बोर्ड से रिटायर है सुपरिटेंडेंट। जी तो फिर हम गए सर वहाँ गए, फिर वहाँ भी उसने बड़ा वो उन्होंने पुलिस स्टेशन वालों ने समझाया उसको हर चीज, भाई करो कम्प्रोमाइज बेटा और इसको छोड़ दे और घर में चले आओ अपने अपने। अच्छा, ये नहीं मानना सर उस वक्त भी बड़ भरी से, मैं कैसे बताऊँ क्या क्या सिस्टम, बड़ा परेशान हो गया। पर सर आप ऐसा है इसको ये कर दो, हाईलाइट कर दो इस न्यूज को। जी ठीक है। हाँ प्लीज सर, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अगर मिल जाता है तो चलो उसको तो हम ले आएंगे, 3-4 बंदे जाएंगे करेंगे कुछ, पर एक बार पता तो लोगो है कहाँ वाला। इसकी रिपोर्ट भी हुई है पुलिस थाने में? रिपोर्ट नहीं सर, सिंपली हस्बैंड ने दी थी इसके, जो जो महिला है ना जी अच्छा, इसके हस्बैंड ने दी थी बावालकनाथ देवर सिद्ध में पुलिस स्टेशन में। अच्छा, तो फिर पापा को फोन आया, फिर हम गए सब यहाँ से, फिर तब समझाया पर नहीं, उन्होंने भी कंप्रोमाइज किया भाई वो सर क्या बोलूं, प्लीज आप हेल्प करो सर है? बड़ा बुरा सिस्टम हो गया। अब देखो सर पापा ने आउटसोर्स में लगाया है जॉब यहाँ मंडी में, अच्छा कैसे तैसे करके हमने बिजली बोर्ड में लगाया, और फिर यहाँ भी उसको बहाने लग गया लगाना, मेरे को चक्कर आ रहा है मैंने नहीं जाना बिलिंग करने। फिर उसकी वाइफ यहाँ से ले गई उसको, जो ओरिजिनल वाइफ है। अच्छा भाई हमारा नहीं होता 7200 से 8000 में से लॉ सर। और फिर पालमपुर में चले गए, फिर अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा, अब कोई अब पापा के भी कोई फ्रेंड है DSP वगैरह, तो उन्होंने लोकेशन डाली कि कुल्लू मनाली साइड में आ रही है इसकी कोई लोकेशन, वहाँ है कहीं छुपा हुआ। अच्छा ठीक है। हाँ प्लीज सर मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है, अब क्या बोलूँ मैं, हम्बल रिक्वेस्ट सर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सर, मेरा रियल रियल भाई भाई है सर। ओके सर, ओके। हाँ थैंक यू सर।